पर आ रही है। बीएसपी चीफ मायावती ने अपने उत्तराधिकारी का ऐलान कर दिया है। मायावती ने अपने बाद बीएसपी की बागडोर अपने भतीजे आकाश आनंद को सौंपने का ऐलान कर दिया है। लखनऊ में बीएसपी की बैठक चल रही है और यह बैठक 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर है। वहीं सूत्रों के मुताबिक इसी बैठक में मायावती ने अपने उत्तराधिकारी के नाम की घोषणा कर दी है। तो भतीजे आकाश आनंद को उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया है मायावती ने। मायावती के बाद बीएसपी की कमान संभालेंगे आकाश आनंद। कुमार अभिषेक ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। कुमार अभिषेक, अभी क्या जानकारी है, किस तरह से ऐलान किया गया और क्या कुछ बड़ी बातें हैं? देखिए आशुतोष, आज जो बहुत बड़ी मीटिंग मायावती ने लखनऊ में बुलाई थी, जिसमें देश भर के बीएसपी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता पहुंचे थे, जो प्रमुख लोग थे, और उनके बीच आज मायावती ने बकायदा अपने स्टेज पर आकाश आनंद को बुलाकर यह ऐलान किया कि अब बीएसपी की कमान, बीएसपी की जो विरासत है वो आकाश आनंद को मिलेगी और वही उत्तराधिकारी होंगे। एक लाइन में उन्होंने ये ऐलान किया है कि बसपा के उत्तराधिकारी आकाश आनंद होंगे। आकाश आनंद उनके भतीजे हैं और पिछले कुछ सालों से वो पूरी तरीके से राजनीति में एक्टिव हैं। अभी जो चार राज्यों के चुनाव हुए हैं वहां पर भी आकाश आनंद को प्रभारी बनाया गया था और माना जा रहा है कि उन्होंने काफी मेहनत की थी। लेकिन ये वक्त बेहद अहम है इसलिए क्योंकि इस वक्त चारों राज्यों के चुनाव में बसपा बहुत हद तक अपना वोट बैंक बचाने में कामयाब रही, और जबकि दूसरी तरफ जो नए दलित चेहरे चंद्रशेखर आजाद रावण की बात की जाती है, उनके बरक्स देखा जाए तो वो इन चार राज्यों में बहुत अच्छा नहीं कर पाए हैं। ऐसे में मायावती को शायद ये सबसे बेहतर वक्त लगा जब उन्होंने अपने भतीजे को पूरी पार्टी के उत्तराधिकारी के तौर पर ऐलान कर दिया है और अब इसके बड़े सियासी मायने होने जा रहे हैं। ठीक है कुमार, बहुत बहुत शुक्रिया इस खबर पर जानकारी दर्शकों तक रखने के लिए।